महीने में 11,000 साल करने पड़े। वाओ इतना बड़ा बंगला। वाओ साला जिंदगी सटल हो जाएंगी। दूर दूर तक पड़ोसी का टेंशन नहीं है। 11 महीने के पहले बंगला खाली नहीं करेगा। मालिक ने बोला है तुम्हारी मर्जी से खाली करना, मैं खाली नहीं करूँगा। आ गया मालिक, तुम्हारे इंतजार में बैठे बैठे सो गया था मैं। अरे आप खोल के क्यों सो रहा था? मेरे को माफ कर से आप खोल के सोने की आदत है। आदत से? मेरा मतलब पैदा हुआ जब से। भैया तू है कौन? मैं इस बंगले का पुराना नौकर हूँ। मेरा नाम रामू है। मगर ये बंगला तो हमने भाड़े से लिए ले। हमारे घर के भाड़े के बांधे रहते, हम नौकर को पगार कहाँ से देंगे? मालिक अब ये उम्र में कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे पड़ा रहूँगा। खाली 2 टाइम का टुकड़ा दे दिया करो खाने को। जाने दो बेटा, रहने दो, इस उम्र में कहाँ जाएंगे। मानकी ये कौन है? मेरी बहू है। मालकी कुछ बोले? मैं बोली बहुत सीधे दिख रहे बाबा। मालिक आप लोग मेरे साथ चलो। Thank you.
कौन है? कौन है? ऐसा लगा कोई ऊपर दे बहुत जोर दे धप करनी दे जमीन पे गिरा। मैंने भी सुनी कोई तुम्हारी माँ पलंग से नीचे तो नहीं गिर गई? मेरी माँ सही बोलती, उसके बिराग में बहुत पले रहती। मेरी माँ का इसी पूरा सोचा कर। देखो तो तुम्हारे घर में अरे करने की चोरी, मेरी हर बात तुम सबको बुरी लगती। मेरा पूरा वोट डाल के उठा है, उसके काम में फूक दो। मुझे तो कुछ गड़बड़ हो जाना लग रहा है। जब से यहाँ आए हैं तब से कुछ ना कुछ तमाशा चालू। अच्छे खासे बंगले में अभी तू ऐप निकाल के खाली करने का नाटक मत कर, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। आडवान झुक जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे अपन। रोड पे आ जाएंगे चलेगा, लेकिन जिंदा तो रहेंगे, आगे दहशत से मर जाएंगे। छोटे छोटे झोपड़ों में अपन रह के आए ना, इसके लिए अपने बड़े बंगले की आदत नहीं है। नया नया ऐसा लग रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाइए और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए।